नमस्कार जी, एनबी न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज अख्तर, आज मैं मौजूद हूँ बड़ारा कनई क्षेत्र में और यहाँ पे 22 तारीख का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में रैली निकली हुई है। आइए हम जानते हैं लोगों से। हम लोग आज जो अयोध्या जी में 500 वर्षों का जो आज इंतजार था पूरे देशवासियों का, पूरे विश्ववासियों का जो इंतजार था आज खत्म हुआ। आज हम लोग पूरे ग्राम सभा मिल करके, ग्रामवासी मिल करके आज हम लोग जो भव्य शोभा यात्रा निकाले हैं, जिससे बहुत ही आनंद आ रहा है। भगवान श्री राम की जय हो। लोग बहुत ही उत्साहित हैं, प्रभु श्री राम जी से यही कामना करते हैं कि हमारे देश में सुख और शांति बने रहे, देश विकास के तरफ बढ़ता रहे और हमारे योगी और मोदी इसी तरह अपने काम में आगे बढ़ते रहे, देश को विकास के पथ पे ले जाते रहे। मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, श्री राम हमारे जो प्रभु हैं वह उनको दीर्घायु और उनकी उम्र को बढ़ावे, उनको स्वस्थ जीवन उनको दे, उनको और जो है ताकत दे, हम लोग उनके साथ हैं। बाबू का कहा मने है, कहा कि हमारो जिंदगी रहे ठीक ठाक रहे। अरे राम मंदिर बन रहा, उसका क्या कहना चाहेंगे? वो बढ़िया बा, जय श्री राम बोल दिया। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे दादी? जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे चाची? जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? राम जन्मभूमि पर जय श्री राम का झंडा हम लहराएंगे और राम के वास्ते से हम दिवाली मनाएंगे। राम राम फिर से आ रहे हैं अयोध्या में, आपको कैसा लग रहा है? तो है ये अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए। जय श्री राम। बताइए भैया, सबसे पहले आपको जीएनबी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई। आज 22 तारीख को भगवान श्री राम अयोध्या की नगरी में, आज हम लोग को ऐसा 500 साल वर्ष में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के सामने ये पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है कि आज यहाँ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में। आज पूरा हर जगह, आज या इस गांव नहीं, आज पूरे भारत में पूरा योगी में और पूरा भगवामय हो गया है। ठीक है, अब बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के सामने ये पूजा हो रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली के माध्यम से उद्घाटन का बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सबका साथ सबका विकास। आपको कैसा लग रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा? बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरा देश भगवा में होने जा रहा है। जय श्री राम। आज भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी का दिन है कि आज यहाँ राम मंदिर का ही उद्घाटन हो रहा है। किसी आगे, आगे अब मोदी जी को लेके क्या करना चाहते हैं? चौबीस में पूरा भाजपा की सरकार आएगी और माननीय योगी जी और मोदी जी फिर से भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग देख रहे हैं पूरे भारत वर्ष में जो माहौल बना है उसको कहा नहीं जा सकता है। आज इतना भव्य तरीके से जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, मोदी साहब कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ बड़ारा कनई में रैली निकाल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 500 वर्षों बाद हमारे रामलला जो है आज अपने घर में जो विराजमान हो रहे हैं, हमारे पूरे भारत वर्ष के लिए, हमारे ग्राम वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज रामलला हमारे अपने घर में जो है विराजमान हो रहे हैं। इसी के साथ हम इतने खुश हैं कि आज शाम को हम लोग अपने घर पर दिवाली मनाएंगे और इसी के साथ में एक बार अपील करते हैं गांव वाले पूरे एक साथ बोले जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रैली निकल रहा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, आज कितना खुशी आपको हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, हम लोग पहुँच नहीं पाए, अपने गाँव में ही मना रहे हैं जो है। आपको मौका मिलेगा तो कब जाना चाहते हैं आप? मौका मिलेगा तो जब भी मौका मिले तब भी जाएंगे, अगर नहीं जा पाते हैं तो दो दिन के बाद ही जाएंगे जरूर हम। आपको कैसा लग रहा है कि आज राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, हम लोग गाँव वाले मिल के अपने यहाँ मना रहे हैं जो है। तो देखिए कितना उत्साह है लोगों में और यहाँ बड़ारा कनई में इतना जोरों शोरों से रैली निकाले हुए हैं। यहाँ पे जो रैली निकला हुआ है, यहाँ पे भंडारे का भी प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पे गांव वाले सारे लोग मिलकर पैसा लगा के भंडारे का प्रोग्राम किए हैं, पूरे गांव को यहाँ इनवाइट किया जाएगा। आइए जानते हैं इनको कि कितने कैसे भंडारे का आयोजन करेंगे, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को एक बार जय श्री राम कहना चाहूँगा और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है
पूरे विश्व के जो लोग हैं, पूरी समुदाय है, बहुत सनातन धर्म की जितने भी लोग हैं सब खुश हैं। पूरा विश्व जश्न मना रहा है, खुशी मना रहा है। इसमें किसी भी जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। श्री राम हमारे सभी के हैं, सभी जीवों के श्री राम हमारे हैं। और आज जो भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी हमारे ग्राम बढ़ारा कन्हई में, जो सभी ग्रामवासी मिल करके बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ जो है कलश यात्रा निकाली गई थी, जो हमारे काली माई के मंदिर से निकल कर यहाँ से चल करके पूरे ग्राम सभा में घुमाया गया था, और घर घर से लोगों ने जो खुशियाँ हुई, जो भी चीज़ें हुई, लोगों ने रुपया पैसा चावल सब कुछ दिया। हम लोगों ने यहाँ ज़बरदस्त एक भंडारे का आयोजन किया गया है। अभी सारे लोग मिलकर के हमारे ग्रामवासी जितने हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, सभी लोग उनको, उनके परिवार को स्वच्छ और समृद्ध रखें, बेहतर रखें, सभी को धन धाम दें। जो आज इस भंडारे में जितने लोग सहयोगी कर रहे हैं, आज जो है सभी लोग भंडारे का प्रसाद पाएंगे। आप सभी भी आ सकते हैं हमारे यहाँ ग्राम बढ़ारा कन्हई में। आज शाम को भंडारे का बहुत ज़बरदस्त आयोजन किया गया है। धन्यवाद। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? भंडारे का आयोजन हम सब लोग ग्रामवासी मिल करके, जिसका जैसा पैसा चावल जो भी इकट्ठा हुआ है उसके माध्यम से हम लोग एक आयोजन किए हुए हैं भंडारे का। श्री राम प्रभु, श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम लोग उनको अर्पित करेंगे और उसी प्रसाद को हम सारे ग्रामवासी लोग पाएंगे। सबको निमंत्रित किया गया है। बोलिए जय श्री राम। तो आपने देखा कितने भव्य तरीके से यहाँ गांव वाले इतने उत्साह हैं कि भंडारे का भी प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, और इतने भव्य तरीके से रैली निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा देश आज खुशी मना रहा है। आज 22 तारीख का दिन है, पूरा देश खुशी मना रहा है राम के आ जाने से। कैमरामैन शोएब अख्तर के साथ परवेज अख्तर की रिपोर्ट, GNB News 7। धन्यवाद।